हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है ना। ये तो बाद की बात है कि अंग्रेजी की कम्युनिस्ट भाषा से लिया गया ये वो वगैरह वगैरह, ये तो याद करना है। बट आपको सबसे पहले ये समझना है कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है ना। क्या होता है? संचार। अब संचार, जब संचार से तात्पर्य है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मैसेज जो हम आपको दे रहे हैं या आप हमें दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा है, कोई मैसेज दे रहा है और आप उस मैसेज को उसी ढंग से ले रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर उसने इशारे से बोला कि ये हाथ दिखाया कि आप रुक जाइए या वहीं पर स्टॉप हो जाइए, तो आपको उसके हाथ दिखाने का मतलब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि उसके कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। तो आप जब ये चीज़ समझ जाएं, कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल सही वे से समझना, जिस मूड से कही जाए कोई बात आप उसको उसी ढंग से समझ लेना, वही समझना ही क्या है कम्युनिकेशन। पहली चीज़ तो जैसे आपको एग्जांपल दे दें, अगर बोल दिया जाए कि ये क्या है, कि ये मान लीजिए बोल दिया जाए कि ये चाय है, ठीक है ना। एक प्याला ऐसे बना दिया जाए जिसमें कि चाय रखी है, ठीक है। अब ये बताया गया कि ये चाय है, रख दिया गया, आपको प्याला दिखाया गया और बोला गया ये चाय है, तो आप जो सामने वाला पर्सन है वो चाय को चाय ही समझे, ना कि चाय को कॉफ़ी समझ ले, ठीक है ना। क्या ना कि वो चाय को कॉफ़ी समझ ले या सोच ले बॉर्नविटा डाला दूध हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं समझना। कम्युनिकेशन का, सही कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को जिस वे से बताएं सामने वाला पर्सन उसी वे में समझे, उसी वे से उसको एक्सेप्ट करें, तो वही क्या होता है कम्युनिकेशन होता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन, याद रखना, हमेशा कैसी प्रक्रिया है? द्वि तरफा प्रक्रिया है, ठीक है ना। क्या द्वि तरफा? मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, अब हम तो पढ़ा रहे ना, कम्युनिकेटर हुए, मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब जब आप सब नहीं होंगे, ठीक है ना, मेरे सामने कोई पर्सन नहीं होगा, तो क्या संचार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संचार उस स्थिति में नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि संचार कैसी प्रक्रिया है, तो संचार जो है वो द्वितरफा प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? द्वितरफा प्रक्रिया है। और एक लिखा आपको मिलता है अंतः संचार, ठीक है ना। क्या लिखा मिलता है? अंतःकरण संचार। इसका हम लोग एक शब्द मिलता है हम लोगों को नेट के पेपर में, नेट की भाषा में, इरैतिकानुभूति। क्या मिलता है? इरैतिकानुभूति। इरैतिकानुभूति का मतलब होता है एक तरफा। खूब नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार इरैतिकानुभूति होता है, तो नहीं, ये कथन और अभिकथन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तो आपको जब इसका मीन्स पता होगा, इरैतिकानुभूति का मतलब होता है एक तरफा अंतःकरण, ठीक है ना, मीन्स एक तरफा। कहने का मतलब ये है कि संचार जो है एक तरफा नहीं होता है, संचार द्वितरफा होता है। जैसे कि संचार की प्रक्रिया में कुछ रिलीज करने के लिए नहीं, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं संचार की प्रक्रिया में क्या होता है।
कि सबसे पहले कोई भी बंदा हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेटर होता है। क्या होता है, दिख रहा होगा यहाँ से, इस तरफ से कर दूँ, सबसे पहले क्या होता है कि कम्युनिकेटर होता है। क्या, कम्युनिकेटर होता है, ठीक। कम्युनिकेटर का मतलब होता है संचारक। क्या, संचारक मीन्स कोई भी व्यक्ति जब भी संचार करता है, ठीक है ना। तो वन मिनट फ्रेंड्स, मैं फ़ोन आया किसी का देख लूँ। ठीक, मान लीजिए कम्युनिकेट, इसी को, कम्युनिकेटर को आप सेंडर बोल सकते हो। क्या, सेंडर, क्या बोल सकते हो, सेंडर। अब इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर मैसेज है या कुछ भी है तो आप उसको आराम से किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स आप, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं या आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, हम क्या हुए, सेंडर हुए, कम्युनिकेटर हुए। कम्युनिकेटर मतलब संचारक हैं हम, आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो प्रक्रिया आती है वो होता है मैसेज। अब मैसेज किसके द्वारा दिया जाता है, मेरे ही द्वारा दिया जाएगा ना। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जो मैसेज मिल रहा है वो मेरे द्वारा मिल रहा है। अब मैसेज के बाद होता है इनकोड। क्या होता है, इनकोड। इनकोड का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है इनकोडिंग, या आप यहाँ देख लीजिए इनकोड। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर संदेश है तो आप उसको अपने शब्दों में, अपने तरीके से आप उसको, उसके बारे में सोचें, ठीक है ना। मीन्स कोई भी मैसेज देने से पहले आप उसे इनकोड करते हैं, आप उसके विषय में सोचते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है वो मीडियम। मीडियम आता है, मीडियम का मतलब होता है साधन। किसी भी संचार, जो संचारक होते हैं मीन्स कम्युनिकेटर होते हैं या सेंडर होते हैं, बात एक ही हुई, संचारक, कम्युनिकेशन या फिर सेंडर, ठीक है ना। तो आपने मैसेज दिया, मैसेज जो हम इनकोड करते हैं। अब जैसे हम ही हैं, आपको बहुत बहुत इजी एग्जांपल देते हैं, जैसे हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो मेरे अंदर कहीं से ऐसी शक्ति तो नहीं आ गई जो कि मैं आई और पढ़ाने लगी, ऐसा तो नहीं है ना। हम पढ़ के पढ़े हैं ना पहले किसी चीज़ को, मान लीजिए कम्युनिकेशन ही पढ़ाना है तो हम पहले पढ़े होंगे, कई बुक्स देखे होंगे, मैटर कलेक्ट किए होंगे, फिर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने पहले बुक को पढ़ा, मतलब मैसेज को क्या किया, लिया, ठीक है ना। फिर अब कोई चीज़ हम बुक से पढ़ के हैं तो आपको टू द पॉइंट बुक इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे ना, उसको हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं मैसेज को किस तरह से दिया जा सकता है, कैसे क्या। अब बात आती है मीडियम। अब अगर हम आप तक अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं, अपना मान लीजिए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें उसमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ी, मतलब मीडियम की आवश्यकता पड़ी कि हम किन किन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास स्पीकर है, कैमरा है, मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है ना, सारी चीज़ें, मतलब हम इन चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। मीडियम से मतलब वो यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मीडियम के बाद जब भी बात आती है तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, अब जब हमने, अब मीडियम का हमने प्रयोग किया मीन्स आप तक हमने कोई चीज़ पहुंचाई, आपने क्या कर लिया, रिसीवर। क्या आ गया, रिसीवर, मतलब आपने उस चीज़ को रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। मतलब हमने मीडियम का प्रयोग किया और लेक्चर देना स्टार्ट किया, आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद आपने क्या किया, उसको डिकोड किया। क्या किया, डिकोड किया। डिकोड का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को समझे और अपने तरीके से समझे। मैंने पढ़ाया, आपने अपने तरीके से उस चीज़ को समझा, ये क्या हुआ, डिकोड करना हुआ, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि अब देखिए, फिर से देखिए, कम्युनिकेटर हुआ,
इसको मैसेज देना है, मैसेज दिया, उसको क्या किया, इनकोड किया, अपनी भाषा में किया। फिर उसने क्या किया, मीडियम का प्रयोग किया फ्रेंड्स, क्या किया, मीडियम का प्रयोग किया। और मीडियम का प्रयोग करने के बाद इसने क्या किया, आपने मीडियम, मैंने मीडियम का प्रयोग किया, मिस मार्कर, बोर्ड, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों, आपने उस चीज़ को क्या कर लिया, समझ लिया, ले लिया, रिसीव कर लिया, मैंने जो बताया आपने उसको समझा। अब उस चीज़ को समझा कैसे, अपने तरीके से। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, सभी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, सबके पास बुक होती है और सबको पढ़ने के तरीके पता होते हैं, लेकिन जो समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग अलग होती है, और जिसकी जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है वही अंडरस्टैंडिंग आप कितना बेहतर समझ सकते हो अपने तरीके से, वही पर्सन क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल ऐसा नहीं है जो मेहनत करते सब सके, लेकिन कोई आगे तो कोई पीछे, ठीक है ना। वही चीज़ मतलब आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ क्या हुआ, डिकोड, ठीक। फिर वही चीज़ हो गई अंडरस्टैंडिंग, क्या हुआ, अंडरस्टैंड मतलब आपने जो मैसेज लिया उसको अपने तरीके से कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके क्या किए, आप इसको समझ गए, और समझने के बाद आपसे क्या पूछा जाता है, फीडबैक। क्या फीडबैक, फीडबैक का मतलब होता है कि आपने अगर, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अगर हमारे सामने बैठे होते, हम आपको पढ़ाते और आपसे तुरंत क्वेश्चन पुट अप करते, पूछते कि भाई ये बताइए इनकोड क्या है, फिर हम ये सोचते, आपका जो भी आंसर होता मैं सुनती और आपको बताती, आप बता पाते नहीं बता पाते, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, अपनी बात को समझा पाते, यही क्या होता है, फीडबैक। अगर फीडबैक अच्छा है तो ये समझ में आता है कि नहीं, हमारा कम्युनिकेशन आप तक हुआ। और अगर आपका फीडबैक, मुझे लगा कि फीडबैक तो शून्य था, आप कुछ भी नहीं बता पाए, इट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन आप तक नहीं पहुंचा, मतलब जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना। तब क्या होता है, फिर से हो जाता है, फिर से कम्युनिकेशन होता है, री कम्युनिकेशन, री मैसेज, री इनकोड, मीडियम, रिसीवर, मतलब सब में री लग जाता है, मतलब दोबारा हम उसको क्या करते हैं, समझाने या पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आई कि ये क्या था, कि कम्युनिकेशन क्या है, मेन चीज़ ये समझ में आई। कहने का मतलब ये था, पहली बात तो ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि सबसे पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर इनकोड, फिर मीडियम, फिर रिसीवर, फिर डिकोड, फिर अंडरस्टैंड, फिर फीडबैक। अब फीडबैक को मैंने घुमा के इसलिए लिखा है फ्रेंड्स कि फीडबैक मिलने के पश्चात अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा, मीन्स कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो क्या हुई, सक्सेसफुल रही। और अगर फीडबैक नहीं हुआ, ठीक है ना, फीडबैक अच्छा नहीं मिला, इट मीन्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था वो क्या हुआ, रॉन्ग वे में था, रॉन्ग मेथड में था, मतलब हम जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे आप उस चीज़ को नहीं समझे। मैंने बोला कि भैया ये चाय है, क्या है, चाय है, आपने उतने समय तो बोला हाँ चाय है, बाद में आपको वही पहला दिखाया गया उसी जैसा, आपने बोला ये तो कॉफ़ी है, या कुछ भी आपने बता दिया ब्राउन कलर से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये कि कम्युनिकेशन जिस चीज़ के लिए समझाया जाए सेम टू सेम वही हो, ठीक, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, ये क्या है, ये अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, और हिंदी में क्या है, संचार। स्वाभाविक सी बात है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि कम्युनिकेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, तो ये क्या है कि अंग्रेजी का क्या है, हिंदी रूपांतरण, संचार, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो कम्युनिकेशन है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। किससे, लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, क्या,
टू मेक कॉमन मतलब सामान्य बनाना, ठीक है ना। टू मेक कॉमन मतलब सामान्य बनाना, किसी चीज़ को समझाना है अगर सामान्य बनाना है तो वही चीज़ है ना कि सामान्य बनाना, ठीक। अब जैसे हमने आपको बताया कि संचार क्या है, तो संचार द्वितरफा प्रक्रिया है। द्वितरफा प्रक्रिया मतलब अगर आपको कोई भी मैसेज देना है तो आप अकेले तो नहीं बड़बड़ा सकते ना, अगर आपको कोई भी संदेश देना है, कोई भी मैसेज देना है, तो संचार की प्रक्रिया में दो या दो से तीन चार पाँच दस या बहुत बड़ा विशाल समूह हो सकता है। और संचार की प्रक्रिया हमेशा तभी संपन्न होती है जब वो दो, कम से कम दो पर्सन तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। समझ गए कि संचार में द्वितरफा प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि उसमें दो पर्सन होने ही चाहिए, तभी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। दूसरी, पहला जैसे हमने आपको बताया हम क्या हैं, कम्युनिकेटर। आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या हो गया, आप ऑडियंस हो गए, ठीक है ना। मीन्स कम्युनिकेटर और ऑडियंस, ये तो कंपलसरी है। बाकी जो भी अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे मैसेज देना, इनकोड करना, और फिर उसको इनकोड करने के पश्चात हम मीडियम का यूज़ करते हैं, वो प्रोसेस, फिर डिकोड करें, फिर अंडरस्टैंड किए, और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद हम फिर से फीडबैक करते हैं। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फीडबैक किसका होता है। फीडबैक हमेशा किसका होता है, ऑडियंस का होता है, ठीक है ना। मीन्स अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो फीडबैक स्वाभाविक सी बात है हम आपसे लेंगे, ठीक है ना। तो ऑडियंस का हमेशा फीडबैक होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं संचार के प्रकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नेट, फॉर TGT, PGT, ठीक है ना। या कभी कभी आप देखते हो टेट में भी कम्युनिकेशन आता है हमारा, ठीक है। तो इसको समझना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संचार के प्रकार ये क्या है। संचार का मतलब आप समझ गए ना कि किसी भी, कोई भी मैसेज देना है आप तक पहुंचाना ही क्या है, संचार है। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, मान लीजिए हमने अपना मोबाइल उठाया, किसी को संचार करना, कम्युनिकेट करना है, मैंने तुरंत अगर मैसेज करना है तो तुरंत टाइप किया, आप तक पहुंचा दिया, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। या हमने तुरंत कॉल की, आप उसको समझे, वो भी क्या है, संचार है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि शाब्दिक और अशाब्दिक, ये क्या है। शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार से मतलब है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, शाब्दिक संचार है। क्या है, शाब्दिक संचार है, हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अशाब्दिक संचार में क्या होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। अब अशाब्दिक में क्या आ जाएगा, शाब्दिक तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है ना, जिसमें चाहे लिखित हो या मौखिक हो। अगर हम लिखेंगे तो भी शब्दों का प्रयोग होगा, अगर हम कोई चीज़ ओरली आपको बता रहे हैं तो भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ओके। तो ये हुआ शाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार में कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को देखा और देखने के पश्चात ही तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, ये क्या है, ये भी संचार है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन खड़ा है, आप उसके फेस का एक्सप्रेशन देख कर ही समझ जाते हो कि ये व्यक्ति क्या चाह रहा है, ये नाराज हो रहा है या हैप्पीनेस मूड में है, या फिर वो किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, मतलब मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए। तो ये भी क्या होते हैं, अशाब्दिक संचार। बहुत अच्छा एग्जांपल दें आपको, आप सब जैसे घर में खाना बनाते हो, कुकर की सीटी बजती है, तो ये भी क्या है, संचार है। क्या है, संचार है, अशाब्दिक संचार है। मतलब आपने राइस पकने के लिए रख दिया, उसमें जैसे ही सीटी आती है आप तुरंत समझ जाते हो, मतलब चावल पक गया, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि चावल पक गया, और आपने सुना, मतलब कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो राइट मोड पर हो रहा है। किस मोड पर, राइट मोड, मतलब जो बंदा सामने की बात कहना चाह रहा है आप उसको बिल्कुल उसी ढंग से समझ रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कुकर की सीटी बजती है आप तुरंत समझ जाते हो कि जो भी चीज़ मैंने रखा है वो पक गई, ये भी क्या है, संचार है। मोस्टली टाइम आप देखते हो
कि सुबह सुबह या कुछ भी एक निर्धारित समय होता है, गाँव में भी जैसे चिड़ियाँ चहकने लगती हैं या कुछ भी होता है, तो ये भी एक तरह से संचार है, ठीक है ना। ये कहने संचार हो, वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो भी काम किया जा रहा हो आप उसको बिल्कुल उसी वे में समझ जाना ही क्या है, संचार है। अब पता लगे कुकर की सीटी तो बजी, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है कि बजी है मुझे गैस बंद करना है या इंडक्शन बंद करना है क्या है, तो आप अगर उसका मीन्स नहीं समझे तो वो संचार नहीं हुआ। ये बहुत ईजी मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपको कथन और अभिकथन में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कुकर की सीटी बजना क्या संचार का माध्यम है, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कुकर की सीटी बजने पर भी घर का पर्सन अगर उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है या उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, ठीक है ना, कंडीशन अप्लाई कर दिया तो क्या वो संचार हुआ, नहीं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 4 साल का 5 साल का, कितनी भी कुकर की सीटी बजती रहे क्या उसको मतलब होगा, बिल्कुल नहीं मतलब। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। जब उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ये एक नॉर्मल चीज़ थी कि कम्युनिकेशन किस टाइप से होते हैं, मतलब कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो ये शाब्दिक अशाब्दिक आपने देखा। अशाब्दिक में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं दृश्य श्रव्य दृश्य श्रव्य। दृश्य का मतलब होता है किसी चीज़ को हम देख कर ही समझ, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड अगर प्लेन बड़ा है आप पढ़ाने आओगे स्वाभाविक सी बात है आप इसको देख कर समझ जाओगे कि इसमें राइटिंग वर्क होता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो ये भी क्या हुआ, संचार हुआ। इसको दो तरह, अशाब्दिक संचार हुआ प्लस आपने खुद ही अपने अंदर सोचा, तो ये एक अंतः वैयक्तिक संचार हुआ। क्या हुआ, अंतः या अंतर, ये शब्द दो तरीके से लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि इस तरह से बहुत पूछा जाता है, अंतः वैयक्तिक या फिर अंतर वैयक्तिक, इस तरह से लिखा मिलता है। मेन चीज़ क्या है, आप इंग्लिश वर्जन इसका याद करें, इंट्रा पर्सनल। इंट्रा पर्सनल, एक इंट्रा पर्सनल होता है, एक इंटर पर्सनल होता है, ठीक है ना। सिर्फ आर का डिफरेंट होता है और आर के ही डिफरेंट होने पर बहुत कुछ बदल जाता है। इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है स्वयं ही हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट करें, समझें, जानें अपने ही मन में। जैसे हम लोग पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं कि भाई स्टडी करने के बाद आप उस चीज़ का मनन किया करो, पढ़ा करो, सोचा करो, या कोई घटना हो जाती है तो जब हम उस घटना स्थल से आ जाते हैं लौटकर, तब क्या होते हैं, मन में सोचते हैं यार क्या था वहाँ, कैसा था, क्या किस तरह की घटना घटी वो चीज़। तो ये क्या हुई, इंट्रा पर्सनल हुई। अब अगर आप वही चीज़ देख कर आए, सामने कोई आ गया, आप उसको बताने लगे, क्या करने लगे, बताने लगे कि यार वहाँ गए थे, ऐसा था, ये था, वो था, ये चीज़, तो ये क्या हुआ, इंटरपर्सनल हुआ। आपने दो लोगों का यूज़ किया, ठीक है ना, मीन्स आप बोल रहे हो, कोई पर्सन सुन रहा है और समझ रहा है, तो वो क्या हुआ, इंटरपर्सनल हुआ। लेकिन इंट्रापर्सनल आपने स्वयं से ही बातें की, स्वयं से ही समझा और स्वयं से ही सोचा। एक होता है ट्रांसपर्सनल, क्या होता है ट्रांसपर्सनल। अब ट्रांस का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चला, ये इंग्लिश वर्जन बहुत सरल है। कम्युनिकेशन में आप जो भी शब्द उठाइए इंग्लिश वर्जन उठाइए, आपको नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो टाइप्स हम आपको बता रहे हैं ये टाइप्स बहुत पूछे जाते हैं, लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अपने सब्जेक्ट में तो एक पूरा इसका चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसपर्सनल का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज़ को आर से पार देखना, क्या देखना, आर पार देखना, ट्रांसपर्सनल। मतलब हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि जैसे भूत प्रेत हो गए, आत्मा हो गई, ये इस तरह से, या आप लोग क्या करते हो कि जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, जैसे आप सब उठ के सुबह जो भी आपकी नित्य प्रति की क्रियाएँ हैं वो करते हो, फिर पूजा करते हो। अब पूजा करने में क्या आपने भगवान को कभी देखा है,
नहीं देखा है ना, एक भगवान की छवि है कि हाँ भाई शंकर भगवान ऐसे होते हैं, कृष्ण भगवान ऐसे होते हैं, पार्वती मैया ऐसी होती हैं और लक्ष्मी जी ऐसी होती हैं वगैरह, गणेश भगवान ऐसे, हनुमान जी ऐसे, तो आपके मन में एक छवि है ना कि हाँ आपने बचपन से वो चीज़ देखी है, आज भी देख रहे हो और बहुत दिन तक, युगों युगों तक लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मन में जो ट्रांसपर्सनल, जो आप भगवान की छवि बना रहे हो अपने अंदर, ठीक है ना, आपने देखा कभी नहीं है, बस वही मूर्तियाँ देखी हैं, फोटो देखी है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब आप पूजा करते हो, हाथ जोड़ते हो और बोलते हो हे भगवान मेरा, मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम था अभी कल, आपने बोला मेरा सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाए, ये आपने बातें की ना, मतलब पर्सन दिख नहीं रहा है लेकिन आप उससे अपनी बात बोल रहे हो और अंदर ये भी है कि नहीं मैंने अपनी अर्जी लगा दी। बहुत लोग भी मतलब भगवान पर सभी विश्वास करते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रांसपर्सनल, जैसे भूत प्रेत हो जाते हैं आजकल, देखो बच्चे कहानियाँ देखते हैं मोबाइल में टीवी में, तो भले ही उसने भूत कभी नहीं देखा लेकिन उसको क्या लगता है, जब भी कभी अंधेरा हो जाए तो बोलेगा भूत है वहाँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि ट्रांसपर्सन मतलब उसके माइंड में एक छवि बनी हुई है कि नहीं हम अपनी बात उन तक बोल रहे हैं, ठीक है, या आत्मा को, यह बहुत अच्छा एग्जांपल है भगवान का, गॉड का, आप इन्हीं को रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपर्सनल हुआ, ठीक। ये भी क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन के पार्ट हैं और ये सारे 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 के सारे पार्ट हमारे अशाब्दिक संचार में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामूहिक संचार की। सामूहिक संचार का मतलब होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक है सामूहिक संचार, एक है जनसंचार। समूह, यहाँ पर सामूहिकता की बात की जा रही है। सामूहिकता से मतलब मान लीजिए आप लोग ये सोचिए कि क्या होता है, कभी कभी कोई एक स्पेशल सम्मेलन किया जाता है जिसमें क्या होता है, शिक्षक समूह पूरा होता है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षकों को, जैसे अभी प्रॉब्लम थी इस चीज़ को लेकर, एक न्यूज़ आ रही थी पेपर में, करंट का बताऊं, जब वो ये आया था कि सारे टीचर्स क्या करेंगे, बच्चों के साथ 3 से 4 टाइम सेल्फी लेके भेजेंगे, प्रेयर टाइम, फिर उसके बाद लंच टाइम, बच्चे क्या खा रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल ऑफ होता है तब आप सेल्फी लेकर भेजिए। उस बीच क्या हुआ, जब ये प्रक्रिया हुई तब बहुत से लोग धरने में, अब धरने में कौन बैठा, धरने में भाई शिक्षक के लिए बात थी तो शिक्षक वर्ग बैठेगा ना, अब वहाँ पर वकील लोग तो नहीं बैठ जाएंगे, वहाँ पर कोई फोर्स लाइन का वर्सन तो नहीं बैठ जाएगा जाके, ठीक है ना, समझ रहे ना मेरी बात, कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सामूहिक संचार से मतलब है कि किसी स्पेशल समूह की बात की जाए। मान लीजिए ये कोचिंग है, किसी बच्चे स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट धरना देंगे, ठीक है। तो जब वो किसी कक्षाओं में, अब कक्षा क्या है, एक समूह है, विद्यार्थी वर्ग क्या है, एक समूह है, अध्यापक वर्ग क्या है, एक समूह हुआ ना, कि ये अध्यापकों का समूह, ये वकीलों का समूह, ये फोर्स लाइन, ये पुलिस का समूह है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो सामूहिक संचार में मतलब क्या होता है कि कोई एक स्पेशल समूह होता है जिसमें लोगों को उन चीज़ों के बारे में अवगत कराए, कोई भी बात अगर उन्हें कम्युनिकेट करना है तो वो लोग एक सामूहिक संचार, मतलब समूह का संचार, समूह में, अपने ही समूह में, अपने ही समुदाय में उस चीज़ का संचार करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं जनसंचार की। किसकी, जनसंचार की। तो जनसंचार में क्या होता है, जनसंचार का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन, ठीक। मास कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें ना कोई जाति विशेष, वर्ग, समूह, कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं हो सकता होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो सकता है, कोई भी बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, OBC, SC, ST, सामान्य,
कोई भी ना इसमें कोई कैटेगरीज डिवाइड होती है, मत कहने का मतलब वही चीज़ कि जात समुदाय लिंग आधार कुछ भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट या अलग से नहीं होता है। ये जन संचार, इसमें मास कम्युनिकेशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मेन चीज़ है कि हम जब भी जन संचार को इंडिकेट करते हैं, जन संचार कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसके लिए कंपलसरी है कि व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम का, मतलब मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अब मान लीजिए एक क्लास है, पूरी हॉल में बहुत कम से कम 150-200 बच्चा भरा हो, अब क्या उसको हम इतनी तेज़ बोल के चिल्ला सकते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उन तक मेरी आवाज़ जा सकती? नहीं जा सकती। आगे के तो सुन लेंगे, लेकिन पीछे तक आवाज़ का जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम जन संचार को इंडिकेट करते हैं तो क्या होता है कि हमें इसके लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है कि कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये जो है हमारा संचार है। अब वो एक चीज़, एक संचार और होता है, यह मैंने लिखा नहीं है, लिख देखिए मैं बता रही हूँ। एक होता है प्रॉक्सिमिक्स। क्या होता है? प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स। देखिए ये संचार क्या होता है, ये ऐसा संचार है कि भौतिक दूरी के आधार पर होता है। किसके? भौतिक दूरी के आधार पर होता है। मतलब मान लीजिए हमारी किसी से बहुत अच्छी नहीं पड़ती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी भी लाइफ में कोई कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी आप, जिनके साथ, जिनके पास आप लोग रहना पसंद नहीं करते हो, तब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा आया और आपके अगल बगल है, आप उससे तुरंत स्वतः ही दूर चले जाते हो, या आप किसी के पास गए उसको नहीं अच्छा लगता तो वो स्वतः ही दूर चला जाता है। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन हुआ मीन्स अशाब्दिक हुआ, और दूसरी चीज़ कि वो उस चीज़ को समझ रहा है, भाई उसको नहीं अच्छा लगा वो चला गया। तो ये भी क्या है? प्रॉक्सिमिक्स मतलब ये भौतिक किसी दूरी के आधार पर क्या होता है, ये संचार जो है इस होता है प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। एक होता है पारा लैंग्वेज, ये बहुत पूछा जाता है। पारा लैंग्वेज, पारा लैंग्वेज क्या होता है? इसमें क्या होता है पारा लैंग्वेज में, कि व्यक्ति की भावनाओं को देखा जाता है, ठीक है ना। भावनाओं पर आधारित पारा लैंग्वेज होती है। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति किसी, अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, किस मोड में पढ़ा रहे हैं आप सब जान रहे हो, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। अभी हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ाने लगे या आपको हम ऐसी चीज़ बताने लगे, अब पता लगे कोई बहुत दुखद घटना हो गई, ठीक है ना, बहुत ही दुखद। जैसे अभी ये दिल्ली में आग लग गई, इतने लोग बिना वजह बेचारों को जान गंवानी पड़ी, ठीक है ना। अब हमने जैसे उसके बारे में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, तो जब हम उस घटना को एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे, तो हमारे चेहरे के हाव भाव और बताने का तरीका सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने उस घटना को, उस दुखद घटना को आपको बताएंगे और बहुत हंस हंस के बताएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि वो दुखद घटना है और हमारे चेहरे ऑटोमेटिक व्यक्ति के एक्सप्रेशन, हाव भाव, सारी चीज़ें हो जाती हैं उस तरह से। तो कहने का मतलब यही है कि आप जैसे कोई भी स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ को, अपने एक्शंस में चेंजमेंट लाना ही क्या है, पारा लैंग्वेज है। मान लीजिए हम कोई बहुत ही अच्छी कहानी, वीरता की कहानी पढ़ा रहे हैं, अब हम उसमें खड़े हैं बिल्कुल बिना जान के, मान लीजिए बहुत है, कोई जान ही नहीं है, दुखी खड़े हैं, तो क्या हम उस कविता में वो चीज़ डाल पाएंगे जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं? बिल्कुल कभी नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो वही चीज़ होती है। इसीलिए क्या होता है, जब कोई भी राइटर क्या होता है कि कविता पढ़ाता है, कोई वीरता की कविता पढ़ाता है, तो उसके स्वर कैसे होते हैं? बहुत ऊंचे होते हैं। और जब कोई दुखद कविता पढ़ाता है तो उसके स्वर क्या होते हैं? मध्य हो जाते हैं, मध्यमान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपके चेहरे के हाव भाव तरीके, तौर तरीकों में परिवर्तन हो जाना,
कहने का मतलब व्यक्ति क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं होता है। किस में? पैरा लैंग्वेज में व्यक्ति क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं है, व्यक्ति कैसे बोल रहा है इस चीज़ से मतलब होता है। मेन चीज़ क्या है? व्यक्ति कैसे बोल रहा है इस चीज़ से मतलब होता है। मीन्स अगर किसी चीज़ को वो बोल रहा है तो हंस के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। किस में? पैरा लैंग्वेज पर। ठीक, पैरा लैंग्वेज एक पैरा लैंग्वेज पर एक होता है काइनेसिक्स। क्या होता है? काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में क्या होता है कि इसमें जब भी काइनेसिक्स में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? किसमें? व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये बताया जाता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, आपको बहुत पसंद है, आपकी किसी से बहुत अच्छी बनती है, तब आप क्या होते हैं? आप उसके पास में आते हैं। अगर किसी को आपने देखा, आप तुरंत ही उसके पास चले जाते हो, बोल अपनी बात बोलते हो, हाय हेलो करते हो। ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि काइनेसिक्स मतलब आप उस चीज़ को देखते हो और देख करके आप उसके पास में जाने की कोशिश करते हो। वो क्या है? काइनेस आपका अंतह लगाव जो होता है वो भी क्या, आपने देखा उस चीज़ को, लगा आपको मैं मिल लूँ जाके उससे बात करूँ अपनी, तो ये भी क्या है, एक संचार के प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पैरा लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? व्यक्ति कैसे बोल रहा है, व्यक्ति क्या बोल रहा है ये मतलब नहीं रहता, व्यक्ति कैसे बोल रहा है इस चीज़ से मतलब होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।